जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं गुरु जी की महिमा का जो ब्लेसिंग्स उन्होंने दी हैं, उन सब का मैं अच्छे से बखान कर सकूं। हम गुरु जी से 25 साल पहले मिले थे 1996 में। 25 साल पहले जब हम गुरु जी से मिले थे तो सोचा भी नहीं था कि वो हमारी लाइफ 180 डिग्री फ्लिप कर देंगे। हम सबसे पहले गुरु जी के पास चंडीगढ़ में मिले थे। सबीना आंटी और तरुण अंकल मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो हमें सबसे पहली बार उनके यहाँ लेकर गए थे। मैं सत्संग के दौरान सबीना आंटी और तरुण कोचर को भैया भाभी का रेफरेंस करूंगी। चंडीगढ़ जब हम गए तो एक बड़ा सा मंदिर था, बहुत सिंपल मंदिर था। जब हमने वहां लंगर खा लिया और जब हम वहां से उठने लगे, गुरुजी ने हम दोनों की तरफ देखा और थोड़ा सा जोर के बोला, ये कौन है, किसके साथ आए हैं? तब तरुण भैया निकल के आए और उन्होंने कहा, गुरुजी ये मेरा फ्रेंड है प्रवीण, ये मेरे साथ आए। गुरुजी ने कहा, अच्छा अच्छा कोई नहीं, लंगर खाया? हां जी खाया। ये हमारी बहुत छोटी सी मुलाकात थी, ये 1996 की बात है। उसके बाद मेरे बेटा बहुत छोटा था तो छोटे मंदिर तो हम इतना नहीं जा पाते थे, पर जितनी बार भी हम गुरुजी के पास गार्डन एस्टेट एम्पायर एस्टेट गए, वो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस होता था। गुरुजी इतने सुंदर थे देखने में संगत जी, कोई गुरुजी की तरफ 30 सेकंड्स तो क्या 10 सेकंड्स के लिए भी नहीं देख सकता था। ऐसे लगता था गुरुजी पूरे लैमिनेटेड हैं, उनके हैंड्स लैमिनेटेड हैं, सब कुछ लैमिनेटेड है, शाइन करता था वो हमेशा। और उनके आसपास इतनी पावर होती थी कि आप सोचते भी थे ना कि नजरें चुरा के शायद ये किसी और से बातें कर रहे हैं, तुम्हारी तरफ इनका ध्यान नहीं है, इनको नजर भर के देख लो, वो करने की भी ताकत नहीं होती थी। इतना ऑरा होता था गुरुजी का। और जब भी गुरुजी के हम चरण स्पर्श करते थे, गुरुजी हाथ जोड़ते थे, हमेशा गुरुजी खुद से हाथ जोड़ते थे नमस्ते के जेस्चर में। हमारी सबसे पहली मीटिंग थी गुरुजी से जो आमने सामने की हुई, मैं मेरी बेटी मेरा बेटा तब बच्चे छोटे थे और मेरे हस्बैंड, हम चारों बाहर डिनर करने गए हुए थे। वहां पर तरुण भैया का फोन आया कि गुरुजी प्रवीण से मिलना चाहते हैं और उन्हें उससे कुछ काम है। हम चारों के चारों, जबकि प्रवीण ने वहां नॉनवेज खाया था, उन्होंने कहा मैं आऊं कि नहीं मंदिर, इसे नहीं कोई बात नहीं तुम मंदिर आ जाओ, गुरुजी बुला रहे हैं। हम उससे पहले एम्पायर स्टेट कभी नहीं गए थे। तो जब हम पहुंचे, हम ढूंढ ही रहे थे कि मंदिर कहाँ है, तरुण भैया आगे तक हमें लेने आए। हमने कहा कैसे आप ढूंढ रहे हो हमें? कहते गुरुजी ने मुझे भेजा है कि वो आ गया है, जा बाहर से उसे ले आ। फिर हम एम्पायर एस्टेट में गए, हम गुरुजी वहां पर है ना कारपेट पे बैठे हुए थे कुछ संगत के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन था वो प्रवीण के लिए था कि हाँ भाई तू मेरी शर्टें बनाएगा? मैं पंजाबी में बोलना नहीं आता, बट गुरुजी यूज्ड टू ऑलवेज स्पीक इन पंजाबी। प्रवीण ने कहा हाँ गुरुजी मैं बनाऊंगा। देन उन्होंने उनको कुछ फैब्रिक्स दिए और कहा कि वधिया सी शर्टें बनाए, सरोस्की लगा के बनाई। और फिर उसके बाद तुरंत बोला कि तू कब लाएगा, कब बनाकर लाएगा? उन्होंने कहा गुरुजी मैं जल्दी से जल्द कोशिश करूंगा। मेरी बेटी थी मेरे साथ, उन्होंने पंजाबी में ही पूछा, इंटरप्रेटेटर सबीना भाभी थी, क्योंकि मैं पंजाबी नहीं समझ पाती थी और गुरुजी बहुत जल्दी बोलते थे। तो सबीना भाभी, उन्होंने मेरी बेटी के लिए पूछा ये कहाँ पढ़ती है? सबीना भाभी ने कहा कि गुरुजी ये कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी में पढ़ती है। गुरुजी ने कहा ये स्कूल चंगा है, ऐसे ही पढ़ती रहे। इतने में मेरा छोटा सा बेटा 3.5 साल का था, वो बीच में से बोला गुरुजी मैं मॉर्निंग स्टार जाता हूँ। गुरुजी ने उसे स्माइल करके देखा और बोला कि मुंडा चंगा हैगा। संगत जी इससे पहले जो मेरे बेटे को ब्रोंकाइटल एस्थमा एलर्जी बता दी गई थी और इसको इतनी सिवियर वीजिंग हो जाती थी,
अचानक जरा सा एक्सपोजर पोल्यूशन से हो, जरा सा एक्सपोजर धुएं से हो, इसको तुरंत बहुत वीजिंग हो जाती थी। हमें नेबुलाइजर खरीदने को कह दिया डॉक्टर ने, तब इंडिया में ऐसे जल्दी से मिलता नहीं था, वो भी सिंगापुर से इम्पोर्ट करना पड़ता था। पर जिस दिन हमने, गुरुजी ने ये कहा कि मुंडा चंगा है, उसके पास, उसके बाद कभी भी मेरे बेटे को वीजिंग, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, किसी की भी कभी कोई शिकायत नहीं, आज तक नहीं हुई। वहां पर हमने चाय प्रसाद पिया, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर उन्होंने कहा पंजाबी में कि मैं क्या करती हूँ। सबीना भाभी रिप्लाई, मुझे फिर पंजाबी नहीं समझ में आई। सबीना भाभी ने कहा गुरुजी ये हाउसवाइफ है। उन्होंने मुझे देखा और कहा एनु कुछ काम करना चाहिए। मैं एक परफेक्ट होममेकर रही हूँ हमेशा, जिसने अपने घर और बच्चों को देखा है। मेरे लिए इस बात का कोई मीनिंग ही नहीं था जब गुरुजी ने मुझसे कहा कि इसको काम करना चाहिए। फिर रोमा आंटी मेरे हस्बैंड को वहीं उसी दिन छोटे मंदिर में अलग से लेकर गई और उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आपको क्या सेवा मिल रही है। इस सेवा को करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, लाइन लगा के खड़े हैं, और आपको गुरुजी ने खुद बुलाकर ये सेवा दी है। 10-12 साल बाद मुझे रोमा आंटी कहीं मिली और मैंने उनसे पूछा आंटी आप मुझे पहचानते हो? शी सेड आप उन अंकल की आंटी हो ना जिनको गुरुजी ने मंदिर बुला के शर्ट के ऑर्डर्स दिए थे। उस दिन मैंने कहा हाँ। कहती हूँ उस दिन गुरुजी ने ही मुझसे कहा था कि अनु दसो कि इसको क्या मिल रहा है जो बहुत कम लोगों को मिल पाता है। गुरुजी, मैं संगत जी हमेशा से भगवान कृष्ण को मानती आई हूँ, बड़ी भक्ति करती थी उनकी बचपन से ही, और विश्वास करना, ये रियलाइज करना कि गुरुजी भगवान है आसान नहीं होता है। मेरे को उनसे मिलने के बाद गुरुजी मेरी ड्रीम में आए। गुरुजी बहुत बड़े स्टेज पर थे और वहां पर वो कृष्ण बनकर आए, पीले पीताम्बर वस्त्र पहन के और बांसुरी हाथ में लेके, और मेरे मुंह से उनको देख के आवाज ही ना निकले कि ये गुरुजी कृष्ण भगवान के रूप में। वो मुझे विश्वास दिलाने आई थी कि जिस भगवान को तू बांधती है वो भी मैं ही हूं। उसके बाद गुरुजी ने बहुत सारी शर्ट सेवा हमें दी, बहुत सारी शर्ट सेवा दी। उन्हें सरोस्की का बहुत शौक था, उन्होंने कहा हर मेरी सारी शर्टों में सरोस्की लगा के लाए, और उन्होंने अनगिनत शर्ट सेवा दी। मुझे लगता था कि गुरुजी इतनी कमीजों को क्या करेंगे, पर लेटर मैंने रियलाइज किया कि वो उनके लिए नहीं थी, वो हमारा भाग्य बदलने के लिए थी। वो हमारा भाग्य बदलते थे, वो शर्ट हमसे डिजाइन करवा के हमसे बनवाते, उन्हें तो कोई जरूरत ही नहीं थी इन सब चीजों की। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कल्याण करना चाहते थे। एक बार तो गुरुजी ने छोटे छोटे पतले पतले स्टोल्स दिए पश्मीने के बहुत सारे, और कहा कि चल प्रवीण अब इनकी शर्टें बनाकर लाए। संगत जी प्यासा कुएं के पास जाता है, भक्त भगवान के पास जाता है, उसके द्वार पे जाता है। मेरे हस्बैंड को एक बार ऑफिस में थे, उनको 4 बजे दोपहर के गुरुजी ने किसी संगत से फोन करवाया कि गुरुजी तुमसे मिलना चाहते हैं। अब अजीब सा लगता है ना कि भगवान हमसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी एम्पायर स्टेट मंदिर आ जाओ। गुरुजी अपने कमरे में थे, उन्होंने उनको अंदर बुला लिया कि मेरे ही कमरे में आ जाए। सर्दी की शाम थी, गुरुजी ने फुल स्पीड पे पंखा चलाया हुआ था और खुद एक शॉर्ट्स और पतली सी टी शर्ट में अपने बेड पर बैठे थे, और जब प्रवीण अंदर घुसे उन्होंने इशारे से कहा यहाँ कारपेट पर बैठ जा। कारपेट पर बैठाया, उन्होंने चाय प्रसाद पिलाई और समोसा खिलाया। एक शब्द भी नहीं बात की उन्होंने प्रवीण से, और ना प्रवीण ने बात की, वो तो बस अपना सिर नीचे करे विद हिज हेड डाउन वहां बैठे रहे। उन्होंने एक बार गुरुजी को भी देखने की कोशिश नहीं करी कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, उनकी तरफ देखते हैं कि नहीं देख रहे हैं। आधा घंटे गुरुजी ने ऐसे ही बैठाया और फिर कहा जाओ। ये एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था, बहुत ज्यादा डिवाइन एक्सपीरियंस।
उसके बाद गुरुजी कभी हमें, मेरे बच्चे दोनों छोटे छोटे थे, मेरे पास कोई नहीं था बच्चे रखने वाला, कोई मेड वेड भी नहीं थी, हम कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे तब। गुरुजी हमें इसलिए इनविटेशंस भेजते थे, किसी संगत की वेडिंग पे जाना, सोशल फंक्शन पे जाना, क्योंकि हम नहीं जा पाते थे मंदिर भी, क्योंकि छोटे बच्चे ले जाना तब अलाउड नहीं था। गुरुजी ने हमेशा कहा कि मंदिर से सीधे घर जाओ, बट संगत जी इतनी बार उन्होंने भाभी और भैया, सवीना भाभी और तरुण भैया को हमारे यहाँ भेजा। हम बसंत कुंज में रहते हैं और हम शुरू से ही 9:30 बजे सो जाते हैं। भाभी कह, वो जब भाभी भैया वहां से निकलते थे, गुरुजी कहते थे प्रवीण के घर होकर जाना है। भाभी कहती थी गुरुजी वो सो गया होगा, वो लोग बड़ी जल्दी सो जाते हैं। ही सेड नहीं, मैंने कह दिया ना वहां होकर जाना है। कभी वो हमारी बेल 1 बजे बजाते थे, कभी 2 बजे बताते थे कि गुरुजी ने कहा है कि यहाँ होकर जाना है, और फिर वो हमारे सामने रात को बैठते थे 2 मिनट और फिर चले जाते थे। संगत जी इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाले, मुझे तो नहीं पता कि क्या गुरुजी खुद ब्लेसिंग्स हमारे पास भेजते थे। एक बार तरुण भैया रात के 2 बजे आए और एक चावल के दाने जितना दिव्य प्रसाद लाए और कहा तुम चारों खा लेना। दिस इज हाउ ही ब्लेस्ड अस। उन्हें पता है कि कब किसको रेगुलरली उनके पास अब जाना है। गुरुजी हमेशा कहते थे संगत से आते रहा करें। पर गुरुजी के समाधि लेने के बाद हमारा कुछ लिंक सा टूट गया, हम नहीं जा पाते थे और कभी हमारे मन में भी नहीं आया कि हमें मंदिर जाना चाहिए। गुरुजी का स्वरूप घर में था, बस उसी का ध्यान कर लेते थे। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, ये बात है 2010-11 की। मैंने सारी टेस्टिंग कराई, सारे टेस्ट कराए, कहीं कुछ भी नहीं निकला और मेरी हालत ये हो गई कि मैं एक घूंट पानी भी नहीं पी सकती थी। मुझे हमेशा बहुत घबराहट होती थी और खाना खाए हुए तो मुझे बहुत दिन हो गए थे। मैंने 2 बार प्रोग्राम बनाया कि अब मैं मंदिर जाती हूँ, दोनों बार मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन मेरी डॉटर ने कहा आज तो घसीटो चाहे कुछ, चलो आपको गुरुजी के मंदिर चलना ही है। मैं गुरुजी के मंदिर गई, वहां जाके मुझे लगा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चाय प्रसाद आई तो मेरे मन में आया तुझसे तो कुछ खाया पिया नहीं जाता, क्या करेगी। मैंने चाय प्रसाद भी पी ली। उसके बाद लंगर नीचे हॉल में होता था, तब बाहर कहीं लंगर नहीं होता था, खाली नीचे वाले ही लंगर हॉल था, वहीं पर खाते थे। तो मैं वहां पर बैठी, मैंने बिना किसी हिचक के बिना कुछ के पूरी 1 रोटी प्रसाद खा लिया। मुझे बड़ा अचरज कि मैं 2 फांस पपीते की भी नहीं खा सकती थी, ये मैं कैसे खा पा रही हूँ। और संगत जी बिलीव में मैं दूसरी रोटी प्रसाद भी खा सकती थी, पर मेरे मन में इतना डर था मैंने वो रोटी प्रसाद 1 ही खाई। उसके बाद धीरे धीरे मेरी तबीयत एक बार में गुरुजी ने ठीक नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि इन्हें हर हफ्ते मुझे मंदिर बुलाना पड़ेगा। मैं हर हफ्ते गुरुजी के पास जाती रही, ना मुझे ये पता कि मुझे क्या बीमारी हुई थी और ना मुझे पता मेरा इलाज क्या हुआ। पर मैं संगत जी बिल्कुल ठीक हो गई। 6 महीने में मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं कभी बीमार भी थी। एक बहुत प्यारा सा इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगी संगत जी। एक बार प्रवीण अब्रॉड गए थे तो वहां ड्यूटी फ्री शॉप से टोब्लरोन चॉकलेट लाए। तब वो यहाँ इंडिया में दुकानों पे नहीं मिलती थी, अब तो मिल जाती है। वो एक हफ्ते बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि गुरुजी ने तरुण भैया को कहा कि प्रवीण को यहाँ बुला लो, वो नेल्सन मंडेला मार्ग है ना जहां पर आज के प्रेजेंट डे मॉल्स हैं, वहां पर गुरुजी की 2-3 गाड़ियां लगी हुई थी। वहां पर गुरुजी ने कहा प्रवीण को यहाँ पर बुला लो। प्रवीण जब घर से निकलने लगे वो चॉकलेट उठाई। मैंने कहा इसका क्या करना है कि मैं गुरुजी को दूंगा। मैं तो बहुत ही अप्रिहेंसिव हो गई, डर गई, ऐसे कैसे कोई करना चाहिए, गुरुजी को आप चॉकलेट दोगे। बट ही सेड नहीं, मेरा बहुत मन है, मैं देना चाहता हूँ गुरुजी को चॉकलेट। मैं तो कुछ जवाब मेरे पास बना नहीं, वो चॉकलेट लेकर चले गए। वहां पर गुरुजी को उन्होंने वो छोटी सी चॉकलेट, गुरुजी महाराज, महाराजों के महाराज, उनको उन्होंने छोटी सी चॉकलेट दी। एंड गुरुजी वो सो हैप्पी, डिलाइटेड टोटली। ही सेड प्रवीण तू मेरे वास्ते लाया,
तो मेरे लिए स्पेशली लाया है, बच्चों की तरह। ऐसे कोई भगवान होते हैं? ऐसे भगवान ना कभी देखे ना कभी सुने। मेरी बिटिया लास्ट सेमेस्टर था उसका ग्रेजुएशन का, उसके पास ह्यूमैनिटीज थी। गुरुजी ड्रीम में आए और गुरुजी ने उसे ड्रीम में इशारे से कहा मेरे साथ चल। बाहर कोई रिक्शा खड़ी थी, उसमें बिठाया और पंजाबी में उसे जोर जोर के बोलते गए, जिसका मतलब ये था कि अपनी माँ को कह दे कि आगे पढ़ाई नहीं करनी है। और वो बार बार यही बात बोलते रहे, थोड़ी जोर के बोलते रहे। समझ में नहीं आया कि नौकरी वालों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो किसके पढ़ेंगे, वो तो नौकरी करते थे। बिल्कुल नहीं समझ में आया। हमने सबीना भाभी को फोन में लाया कि अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एग्जाम तो दे दो, लीव एवरीथिंग ऑन गुरुजी, अगर उन्होंने कुछ सोचा है तो सामने अपने आप आ जाएगा। संगत जी, इससे पहले कि वो अपने एग्जाम्स दे, उसे एक बहुत ही अच्छी जॉब एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिल गई संस्कृति केंद्र में, जो कि दिल्ली की सबसे बेस्ट एनजीओ। इसी दौरान मेरे हस्बैंड एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे, 16 साल से वहीं थे। उन्होंने कभी जॉब बदलने की भी नहीं सोची, वो वहां खुश थे और 16 साल से काम कर रहे थे और हम सोचते थे कि अब वो रिटायर भी वहीं पर होंगे। एक दिन सडनली उन्होंने निर्णय लिया कि मैं यहाँ से जॉब छोड़ दूं, मुझे अब यहाँ जॉब नहीं करनी। और मुझे ये भी धमका दिया कि मुझसे ये मत कहना कि एक बार कोशिश कर लो, क्योंकि मैं अब नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये पता था दिल्ली एनसीआर में अब उनके लिए कोई जॉब नहीं है। अगर उन्हें जॉब करनी है तो दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। एक उनकी राइवल कंपनी थी और राइवल कंपनी उनको क्यों जॉब दे, नो ऑप्शंस। हमने सोचा कि चलो हम बच्चों को यहीं छोड़ के, उनकी पढ़ाई यहाँ पर है, हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे। हमने सारी तरह की प्लानिंग करते रहते थे कि अब क्या करना है, परंतु चीफ प्लानर तो अपना काम कर रहे थे। चीफ प्लानर हमारे गुरुजी हैं। उन्होंने फोन करवाया उस राइवल कंपनी में कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं वहां के ओनर से। विद इन 10 मिनट्स वहां से कॉल आ गया, शाम की मीटिंग हो गई है, हम वहां चले जाए। क्योंकि एक ही जगह ये काम कर रहे थे, कभी उन्होंने सीवी नहीं बनाया, अपना कुछ भी नहीं किया, ऐसी जेब में हाथ डाल के चले गए वहां पर। वहां पर उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं बात की। 10 मिनट में उन्होंने उनको सीईओ अपॉइंट कर लिया उस कंपनी का। संगत जी, इसके बाद एक और अचरज की बात, जिस कंपनी में वो काम करते थे, 4 महीने के अंदर उनके छोड़ने के बाद वो कंपनी बंद हो गई। गुरुजी अपनी संगत के रास्ते के रोड़े कैसे हटाते हैं? एक जॉबलेस आदमी को नौकरी ढूंढनी हो और एक जब आपने खुद से नौकरी छोड़ी हो, बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। गुरुजी ने वहां पर इन्हें सीईओ अपॉइंट कर लिया। इसके बाद मेरे हस्बैंड को मेड टू मेजर एक डिपार्टमेंट में कोई बंदा चाहिए था, पर उनको बाजार में बहुत महंगे लोग मिल रहे थे। तो उन्होंने मेरी डॉटर को कहा, मुझे कॉमन सेंस का बंदा, कॉमन सेंस वाला बंदा चाहिए, तुम आ जाओ, तुम ही जॉब ज्वाइन कर लो। अब उन्होंने तो कह दिया और उसने फट से अपनी पहली जॉब छोड़ दी। पर हमें लेटर पता लगा कि वो किसी भी कंपनी का सीईओ अपने रिलेटिव को उस कंपनी में जॉब नहीं दे सकता है। अब एक और अचरज की बात, संगत जी मेरी बिटिया नॉन एमबीए, नॉन सेल्स पर्सन, नॉन मार्केटिंग पर्सन, सोशियो ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स करके आई हुई है, और उसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई गई स्पेशली। एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें कि उसको एमटीएम हेड अपॉइंट कर लिया गया। यहां से हमारी डेस्टिनी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। ये एक चौपड़ की बिसात की तरह थी, जहां की सारी चाल गुरुजी के हाथ में थी, वो सारी प्लानिंग कर रहे थे। वहां पर उसने 2 साल काम किया। उसके बाद एक दिन वो घर आई और उसने कहा मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, सब बैठ जाओ।
इसने कहा मेरे पापा काम नहीं करेंगे किसी के लिए भी, या तो हम अपना बिजनेस करेंगे और या जितने हमारे पास मीन्स है उनमें हम रहना सीखेंगे। मुझे तो दूसरा ही ऑप्शन अच्छा लगा। मैंने कहा कि ये भैया कहाँ से इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, हम तो कर ही नहीं सकता, हमारी तो औकात ही नहीं है। जो भी है अपने बेटे को पढ़ाएंगे, डॉली जॉब करेंगे और अपना घर चलाएंगे, क्योंकि ये जो काम था इसको कम में नहीं कर सकते। या तो ये मेगा प्रोजेक्ट होना था या ये काम हो ही नहीं सकता था। इसका मतलब था जो आज तक हमने जोड़ा था वो सब हमें लिक्विडेट करना होगा, घर भी बैंक को देना होगा। 100 बार ये बिजनेस का आइडिया ड्रॉप हुआ, पर भाग्य में गुरुजी ने लिखा था, वो बार बार किसी ना किसी तरह इस प्रोजेक्ट को फिर सामने ले आते। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी गुरुजी, 2004 में प्रवीण ने तरुण भैया से कहा था गुरुजी से पूछना कि मैं नौकरी बदलूं। गुरुजी ने उस दिन 4 बातें बोली थी, ऐसे ही रहना है, ऐसे सब कुछ सड़ा हुआ है, अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाए, अपना काम करे। हमारी तनख्वाह उस समय इतनी भी नहीं थी कि हम एक मशीन ले सकें, एक सिंगल नीडल की मशीन, हम भूल गए। हमने कभी ये बात याद रखने की भी कोशिश नहीं की, पर गुरुजी नहीं भूले थे। कितनी मुश्किल से गुरुजी ने लोन पास करा, फैक्ट्री रेंट पर दिलाई, इसके भी हर एपिसोड का एक सत्संग है, अगर मैं वो बताती रहूंगी ये रात हो जाएगी, पर ये सत्संग खत्म नहीं होगा। गुरुजी ने खुद वो प्रोजेक्ट लगाया, ये प्रोजेक्ट हमने 2018 में शुरू किया। इस फैक्ट्री के सीएमडी साहब गुरुजी हैं, हम सब उनके लिए काम करते हैं भाई। आज गुरुजी हमें 1 महीने में उतनी तनख्वाह लोगों को दिलवाते हैं, 1 महीने में उतनी तनख्वाह लोगों को दिलवाते हैं जो मेरे हस्बैंड 3 या 4 साल में कमाते थे। ये एक बहुत ही मैजिकल जर्नी है, सब कुछ कोई विश्वास ही नहीं कर सकता इस पे। मैं आज 3 साल बाद भी फैक्ट्री में जाकर ये सोचती हूँ, क्या ये सच है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक सपना हो सकता है। औकात उन्होंने हम लोगों की कहां से कहां पहुंचा दी, कुछ औकात नहीं थी हमारी, किस तरह उन्होंने सर आंखों पे हमें बिठाया और हमारी औकात बढ़ा दी। उन्होंने मेरे लिए 1996 में कहा था इसको काम करना चाहिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था काम करने में, ना मैंने कभी सोचा, जो गुरुजी ने कहा वो भी उन्होंने किया। उसके बाद मैं कुछ एक कल्याण और सुनाना चाहूंगी सत्संग की संगत जी। मेरा भतीजा, उसको फिट पड़ा और उसके बाद हमने उसकी एक MRI कराई, जिससे हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने हर बार उस पे इशारा किया कि ये ठीक नहीं है। हर बार उनका इशारा मेलिग्नेंसी की तरफ होता था। मेरे माँ के घर वाले कोई गुरुजी को नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते थे, पर मैं वो दिल्ली दिखाने के लिए आया। मैं सब मंडे का दिन था, मैं शाम को गुरुजी के मंदिर लेकर गई उसे जबरदस्ती, मुझे मना तो कर ही नहीं सकता था। और अगले दिन हमने उसकी कोई MRI स्पेक्ट्रम कराई और गंगाराम के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरो फिजिशियन को दिखाया। मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज थी, मुझे लग रहा था मैं गिर के मर भी सकती हूँ यहाँ। उस डॉक्टर ने फाइल उठाई और ऐसे टेबल पे फेंकी और कहता है ये क्या है, ये खोपड़े के पीछे लाओ, अभी निकाल देता हूँ, ये कोई नुकसान नुकसान की चीज नहीं होती है, ये बहुत लोगों में होती है, किसी को उसके जीवन काल में तंग करती है और किसी को नहीं करती है। फिर मेरे बड़े भाई, उनको अचानक पेन हुआ, एंजाइना पेन, और डॉक्टर ने कहा कि इनको एंजियोग्राफी करिए और कहा कि इनकी बाईपास सर्जरी होगी, बहुत कम उम्र थी उनकी तक। वो यहाँ दिल्ली ऑपरेशन कराने आए और मैं उन्हें कहा कि ऑपरेशन कराने से पहले मंदिर बंद था, मैंने कहा पर मैं गुरुजी के मंदिर ले जाऊंगी आपको, बहुत चिंता थी। उसी रात मुझे ड्रीम आया कि मैं गुरुजी के आश्रम में गई हूँ और एक पगडंडी सी है, मैं वहां उदास से बैठी हूँ। गुरुजी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बहुत सारी रोटी प्रसाद दी। मैंने कहा गुरुजी इतनी सारी?
ये तो मैं सारी नहीं खा पाऊंगी। उन्होंने कहा तेरे भाई के लिए दी तो है ना, आप मानेंगे बाईपास सर्जरी करा के सातवें दिन मेरा भाई अपने पैरों पे चल के घर भी चले गए। गुरु जी कहते थे ना कि परिवार का एक सदस्य मेरे पास आएगा, बाकियों का कल्याण मैं कर दूंगा। ऐसे भगवान कहीं नहीं मिलेंगे, सुनने के लिए भी नहीं मिलेंगे। मेरा एक कजिन है, मैं उससे बहुत सालों से मिली नहीं थी। एक दिन अचानक उसने कहा मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं मिलूंगी तुमसे। उसने कहा नहीं मैं नहीं मिल सकता, मुझे बहुत काम है। उसने बहुत रूखा व्यवहार दिखाया, पर उसने बात बात में कहा मैं ग्रीन पार्क आऊंगा। तो मैं ग्रीन पार्क उसके आने से पहले ही पहुंच गई। मैंने कहा मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम कहाँ हो बताओ, मैं तुमसे मिलूंगी। एक वहां पर क्लिनिक था, हेयरिंग एंड स्पीच क्लिनिक। वो अपनी गाड़ी से उतरा, मैंने कहा नहीं मैं अंदर जाऊंगी, क्यों जाऊंगी, मुझे लगा दिल्ली से कुछ मशीन चश्मा वश्मा लेने आई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। और वो अंदर चले गए। 10 मिनट बाद वहां क्लिनिक के अंदर से एक लड़का आया और कहता है कि मैडम आपको भी अंदर बुला रहे। जब मैं वहां पर अंदर गई तो वहां पर मुझे पता लगा कि उसकी बिटिया की कान की, जैसे हार्ट की ईसीजी होती है ना, ऐसी कान की भी कुछ ईजी होती है, जिससे पता लगता है कि हमारा कान में कितनी साउंड वेव्स हम रिसीव कर पा रहे। वहां डॉक्टर बैठा था और वो दोनों बहुत अपसेट हस्बैंड एंड वाइफ बैठे थे और इनकी डॉटर की रिपोर्ट आई तो पता लगा कि उसे सिर्फ 5% सुनाई देता है। मुझे बात कभी नहीं पता थी। और फिर वो वहां डिस्कस कर रहे थे कि फलाना हॉस्पिटल जैसे हार्ट की बाईपास सर्जरी होती है, इसी तरह से कान की भी होती। तो वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, ये वाला हॉस्पिटल 18 लाख मांग रहा है, ये वाला हॉस्पिटल 25 लाख मांग रहा है। और वो मेरा कजिन हाथ जोड़े डॉक्टर से कह रहा था कि जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है ये ऑपरेशन कराने के, मैं नहीं करा सकता। मैं सब सुन रही थी। उसके बाद वो क्लिनिक से बाहर निकला, कहता हम जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा एक बार मुझे एक चाय तो पिला दे। सामने एवरग्रीन था, हम ऊपर जाके बैठे। मुझे नहीं पता मैंने उसे क्या सत्संग सुनाए अपने, मुझे आज तक नहीं याद। पर जब मैं एक्सटेम्पोर बोलती चली गई, जब मैं रुकी तो मैंने देखा उस बच्ची की आंखों में आंसू थे, उसकी माँ के आंखों में आंसू थे और मेरे कजिन की आंखों में आंसू थे। तो वो भाभी ने भी कहती है दीदी मुझे विश्वास हो रहा है, आप मुझे कब लेके चल सकती हो। मैंने कहा मंदिर खुला होगा पर वो दिन में नहीं खुलता, वहां रात को ही जाना पड़ेगा। तो बोले हमें वापस अपने शहर जाना है। मैंने कहा पर देखो आपको मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, मंदिर तो अब शाम को ही खुलेगा। उन्होंने कहा अच्छा हमें चांदनी चौक थोड़ा सा काम है, हम वो काम कर आते हैं। वो चले गए। शाम को मेरे घर आए तो मेरे पास एक पेंडेंट था। संगत जी मैं बिल्कुल ये ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ कि मैं बताऊं किसी को कि आपको ऐसे करना चाहिए, इसके करने से ऐसा होगा, मैं कभी नहीं बोल पाती किसी को। मेरे पास एक पेंडेंट था और मैंने उनसे कहा कि भाभी जी आप है ना रोज इसे ना ग्लास में रात में डुबो देना और सुबह अपनी बिटिया को पानी पिला देना इसका, और ऐसा आप करते रहना। उन्होंने कहा ठीक है। मेरे बोर्ड पे एक गुरु जी का स्वरूप था छोटे से फ्रेम में, मैंने उनको वो दे दिया। शाम को उन्होंने लंगर खाया और उसके बाद वो चले गए। मैंने कभी पलट के नहीं पूछा क्योंकि वो लोग खुद इतने दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। मैं बार बार पूछ के उनका दुख नहीं बढ़ाना चाहती थी। मेरे पास करीबन 40 दिन बाद मेरे कजिन का फोन आया, कहते कुछ बात करनी है तुझसे। मैंने कहा बोल भाई। कहते नहीं अभी नहीं बताऊंगा। और उसने अपना मन पलट लिया, फोन रख दिया, कहते सही वक्त पे बताऊंगा। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद उसका एक हफ्ते बाद फिर से फोन आया, कहते बहन तेरे पैर धो के पीऊं क्या करूं मैं, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। मैंने कहा क्या हुआ। कहते मेरी बेटी को कान से 70-75% सुनाई देने लगा है। कहते जब मैं पहली बार तेरे पास फोन किया था ना, मेरे पास सिर्फ एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी, मुझे लगा ही गलत भी हो सकती है। उसने फिर
दोबारा पोलो में रिपोर्ट कराई, और जब दोबारा पोलो में कराई तब 85% हेयरिंग लॉट आई थी। कितना बड़ा मिरेकल है गुरु जी। उसने इसी बीच, इसी 40 दिन के दौरान, उन लोग का बहुत दिनों से तिरुपति बालाजी जाने का मन था, हस्बैंड वाइफ का, वो नहीं जा पा रहे थे। इन्हीं 40 दिनों के दौरान वो वहां तिरुपति बालाजी गए दोनों। उनकी बेटी ने उनको रात को 2 बजे फोन किया कि पापा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। वो भी डर गया, रात को 2 बजे क्या हुआ। कहते पापा मुझे अभी अभी ड्रीम आया, आधे तिरुपति बालाजी और आधे गुरुजी वो मेरे पास आए और मुझसे बोले, तेरे को कानों से सुनाई नहीं देता ना, मैं तेरे कान ठीक करने वास्ते आया हूं। आज भी मैं जितनी बार भी ये सत्संग सुनाती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुना है ये किसी की देखी सुनी बात नहीं है, ये बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब उस बच्ची की शादी भी हो गई और वो अपने घर बहुत खुश है। संगत जी, अगर मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे सत्संग सुनाऊंगी तो शायद रात हो जाएगी। गुरु जी मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या कुछ अलग सुना दिया हो। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी संगत जी।